फतेहपुर में समाजवादी पार्टी जनादेश यात्रा को लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की योजनाओं की वजह से बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। योजनाएं लगभग 70% फैल है, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा भाजपा के ऊपर है और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उनको सबक सिखा कर रहेगी। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती देते हुए कहा कि वो अपने गृह जनपद सिराथू से ही चुनाव हार जाएंगे, चुनाव जीतकर आएंगे तब उन्हें बहादुर समझेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी तो अपने गठबंधन के साथ सभी सीटें चुनाव लड़ेगी। अब आखिरी तक देखना है कि किसके किसके साथ हमारा गठबंधन हो सकता है। अभी राष्ट्रीय लोकदल के साथ और महान दल के साथ गठबंधन हो चुका है और आने वाले समय में जो छोटे दल हैं वो अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहेंगे तो उनके लिए भी समाजवादी पार्टी सीटें छोड़ेगी। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी गलत मुगालते में हैं और वह सिराथू से जहां उनका घर है जब चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे, उसको जीत कर दिखाएंगे तो हम उन बहादुर समझेंगे।